हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज की यह वीडियो है 27 अप्रैल 2019 की करंट अफेयर वीडियो। तो उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सर कविंद्र बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड के कविंद्र बिष्ट जी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो इस वजह से वहां पर उन्हें केवल रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है। उन्होंने 56 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्हें फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर मिर्जा हलीलोव ने हराया है। यह चैंपियनशिप 19 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चीन में हो रही है। तो यहाँ पर कविंद्र बिष्ट जी को रजत पदक जीतने की बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों, यह तो हमारे आज के उत्तराखंड के करंट अफेयर थे। यहाँ पे हालांकि उत्तराखंड से करंट रिलेटेड करंट अफेयर डेली बेसिस पे मिलना बहुत टफ हो जाता है जो पेपर में आए, तो मैं आप लोगों के लिए यथासंभव प्रयास करके वो ले आता हूँ। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक कीजिए। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहली बार किसके तहत सैनिकों के रूप में महिलाओं की भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है? तो भारतीय सेना ने पहली बार सैन्य पुलिस के तहत सैनिकों के रूप में महिलाओं की भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है। इस परियोजना को जनरल बिपिन रावत द्वारा सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के उपरांत मूर्त रूप में लाया गया था, तो यह महिलाओं के लिए बहुत एक अच्छी खबर है। अब दूसरा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की किस पूर्व मुख्यमंत्री की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुई मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे आयोग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है? तो ये हैं स्वर्गीय जयललिता जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो लगाई है 26 अप्रैल 2019 को। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश के पत्रकार सिरिल अल्मिदा ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार जीता है? तो जो सिरिल अल्मिदा पत्रकार हैं वो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। वे पाकिस्तान के एक मुख्य समाचार पत्र डॉन में सहायक संपादक और स्तंभकार हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए प्रश्न बदला जा सकता है कि डॉन कहाँ का समाचार पत्र है, तो डॉन आपका पाकिस्तान का समाचार पत्र है। जो आपके सिरिल अल्मिदा हैं वह ऐसे दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्हें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2019 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसकी जो इस वर्ष की थीम है वह एक साथ सुरक्षित टीके काम करते हैं। तो प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। अब हमारा आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, भारतीय अमेरिकी कला परिषद का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है, आपने देखा होगा, जाने माने सेफ मिशेलिन स्टार विकास खन्ना को भारतीय अमेरिकी कला परिषद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह तो दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर यहीं पे कंप्लीट हो गए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।